जब भी सेवैया का उपमा बनता है दो प्रॉब्लम होती है, एक तो उसको पानी उबाल के उसको बनाओ तो ठीक ठाक बनेगा, अगर पानी नाप के डाला तो गीले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको तीन इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, ना तो अलग से पानी उबालना पड़ेगा और ना ही उपमा कभी भी गीला होगा। कैसे हैं मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शैब ओपी आपका स्वागत करता हूँ ऑनेस्ट किचन के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। सब्जियों में हमने यहाँ पे फ्रोजन मटर लिया है 1/4 कप, एक छोटा अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, 2 शिमला मिर्च, 2 मीडियम साइज के प्याज और 1 टमाटर। अब इनकी कर लेते हैं हम कटिंग। तो ये हो गई हमारी सारी कटिंग। उपमा खिला खिला बने उसकी पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको जो वर्मीसिली जिसको बोलते हैं या जवे या फिर सेवैया जिसको बोलते हैं वो कौन सा लेना है। दो तरह के आते हैं, एक आता है मैदे का और एक आता है हार्ड व्हीट मतलब कि सूजी का, तो हमको सूजी वाला लेना है। तड़का मारने के लिए हमको सफ़ेद उड़द दाल चाहिए, उसके अलावा चने की दाल चाहिए, कच्ची है भिगोई हुई नहीं है, उसी के अलावा थोड़ा सा पीनट है कच्चा वाला है, और ये रहा करी पत्ता, 2 लाल मिर्च। जिस तरह से रवा उपमा में सूजी को रोस्ट किया जाता है सेम टू सेम यहाँ पे भी वर्मीसिली को भुना जाएगा। तो 1 चम्मच घी डाल दीजिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे भी इसको भूनिए। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो घी को स्किप भी कर सकते हैं। वर्मीसिली ड्राई भी बहुत अच्छी रोस्ट हो जाती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है, लेकिन शर्त यही है कि इसकी फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। अगर फ्लेम थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी ना, अगर मीडियम भी आप रख लोगे ना, तो भी ये जलने लग जाएगी, भुनेगी नहीं जलने लग जाएगी। और ये देखिए कलर कितना शानदार आ गया है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि जो सूजी वाली वर्मीसिली होती है ना उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जाती है, अगर इसकी जगह मैदे वाली होती ना तो इतनी डार्क नहीं होती, हल्का सा वाइटनेस रहता है उसमें। तो ये देखिए बढ़िया सी हमारी वर्मीसिली रोस्ट हो चुकी है। चलिए हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, उसके बाद में तड़का मारेंगे। ऑयल का जो टेम्परेचर रहेगा ना वो लो रहेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम दाल डालेंगे। तो दाल को भुनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो सबसे पहले मैंने क्या डाली, दाल डाली। जहाँ जहाँ तेल है सिर्फ वहीं वहीं पर इसको भुनने दे रहा हूँ, बिल्कुल स्पैचुला से आगे पीछे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर तेल है धीमी धीमी आँच पर उसको भुनने दीजिए। अब लगभग थोड़ी सी मतलब लगभग 1 मिनट के बाद में यहाँ पर वो पीनट डाल दीजिए, क्योंकि पीनट को भी टाइम लगेगा, लेकिन दाल हुई नहीं है अभी तक। यहाँ पे दाल भी हो रही है पीनट भी हो रहा है। तो 1 मिनट के बाद में जैसे ही उसमें क्रैक्स दिखने लग जाए आपको पीनट के अंदर, तो यहाँ पे बगल में थोड़ी सी मस्टर्ड सीड और ये लाल मिर्च डाल दीजिए। अब देखिए तड़के में दाल भी हो रही है पीनट भी हो रहा है और जो सरसों के दाने हैं वो भी धीरे धीरे करके तड़क रहे हैं, और साइड में जो थोड़ा सा तेल बच रहा है ना वहाँ पे हींग डाल दीजिए। हींग को इस तरह से पकाना होता है, जलाना नहीं होता है। कई लोग क्या जला देते हैं उसको और फिर बोलते हैं कि टेस्ट नहीं आता है, जलनी नहीं चाहिए हींग, इस तरह से भगार लगती है। और ये हमने करी पत्ता डाल दिया, करी पत्ता की जो आवाज़ आती है ना वो आवाज़ आनी जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे सारे तड़के हो गए। अब इसके बाद में ये गया अदरक, और आपको तो पता ही है कि अदरक को कभी भी तेल के अंदर ज़्यादा नहीं भुना जाता वरना वो बिटरनेस दे देता है। तो यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल दीजिए, प्याज भी डाल दीजिए और जो शिमला मिर्च है वो भी डाल दीजिए। इसके अलावा आपके पास में और भी कुछ सब्जियां हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वर्मीसिली उपमा के अंदर सब्जियों का रेशो अच्छा रहना चाहिए, मतलब सब्जियों की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सब्जियों को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से सौते कर लिया है। अब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं मटर, अगर आपके कच्चे मटर हैं तो आप पहले ऐड करना क्योंकि उसमें कच्चापन रह जाएगा। ये फ्रोजन मटर है यहाँ जल्दी हो जाएंगे तो हमने यहाँ पे ऐड करे हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे टमाटर भी डाल दिया है। टमाटरों को थोड़ी देर भूनने के बाद में हमने मसालों में यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, उसी के साथ में स्वाद अनुसार चला गया नमक, और कोई मसाले डालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आप उपमा का कलर व्हाइट जैसा रखना चाहते हैं तो हल्दी और मिर्ची को स्किप कर सकते हैं और यहाँ पे काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो ये देखिए बढ़िया सी हमारी हल्दी ने भी कलर छोड़ दिया है और लाल मिर्च भी पक गई है। यहाँ पे आ गई तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि पानी नाप के लेना है, मतलब कि 1 कप हमने नाप के वर्मीसिली ली तो यहाँ पे लगभग 2 कप से थोड़ा सा कम, मतलब दूसरा कप है ना वो पूरा भर के मत लीजिए लेकिन आधे से थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए तो अपना काम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए सबसे पहले पानी को उबालना है, यहाँ पे पानी में उबाल आ चुका है तो उसके बाद में 1/2 छोटी चम्मच
चीनी का इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सब चीज़ बैलेंस हो जाती है। और उसके बाद में हमारी वर्मीसील डाल दी। अगर आपने वर्मीसील को बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे सही ढंग से रोस्ट किया है ना, तो आपकी वर्मीसील कभी भी चिपकेगी नहीं, इस बात की गारंटी है, क्योंकि सूजी की बनी होती है। हाँ, अगर मैदे की कर ली ना तो वो चिपकने के चांस है, इसलिए हमेशा मैदे की ना लेके वर्मीसील हमेशा सूजी की ले। तो यहाँ पर ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और ये देखिए, अब थोड़ा सा पानी बच रहा है ना इसमें, तो अब इसको ऊपर करके नीचे करके देख लीजिए कि कितना पानी है इसके अंदर। पानी है तो यहाँ पे हम फिर दोबारा ढक्कन लगाएंगे, लेकिन जब ढक्कन लगाएंगे उसको आधा लगाएंगे, जिससे कि जिस थोड़ा बहुत जो पानी होगा स्टीम से बाहर निकल जाएगा। 5 से 6 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए मीडियम हीट पे, जिससे कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सब निकल जाएगा। और ये देखिए, शानदार वर्मीसीली तैयार हो चुकी है। इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर लीजिए। भाई, मैं तो आपको एक एडवाइस करता हूँ कि कभी भी आप वर्मीसील लें, हमेशा सूजी की लें, मैदे को अवॉइड करें, क्योंकि मैदे की कई चीज़ें हम खाते ही रहते हैं। अगर सूजी की मिल रही है तो हमें कुछ सूजी की ही लेनी चाहिए ना, क्योंकि हार्ड वीट है तो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे लास्ट में मैं आधा नींबू डालूंगा, नींबू से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर, लास्ट में डाल दीजिए। उसके साथ में ये श्रद्धानुसार धनिया, जो हमेशा डलेगा डलेगा। तो ये लीजिए, तैयार हो गई हमारी शानदार वाली वर्मीसीली उपमा। टेस्ट में तो बहुत अच्छी है, लेकिन देखिए एक भी दाना आपस में चिपका हुआ नहीं है। भाई, आप टेस्ट में कितना भी अच्छा बना लें, अगर ये सारी चिपकी हुई होती तो खाने में अच्छी लगती क्या? नहीं लगती ना, इसलिए ऐसा बनना बहुत ज़रूरी है। तो 3 बातों का ध्यान रखें कि हमको हमेशा सूजी वाली ही वर्मीसीली लेनी है, दूसरा उसको अच्छी तरह से बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर उसको सेकना है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि पानी नाप के डालना है। तो आपकी वर्मीसीली उपमा बनाओ चाहे पुलाव बनाओ, हमेशा बेस्ट ही बनेगा। चलिए आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, एक एक रेशा इसका खिला हुआ है ना, लेकिन ये ड्राई नहीं है, इसमें सॉफ्टनेस पूरी है। सॉफ्टनेस रहना भी बहुत ज़रूरी है खिले रहने के साथ साथ। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अच्छी लगे तो लाइक करना, और हाँ, जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखना।